लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ इसी तरह कहानी है भाईंदर पश्चिम की दिव्यांग शबनम खान की। पिछले 5 सालों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चक्कर काटने, आंदोलन करने, मोर्चा निकालने व घंटों महानगर पालिका मुख्यालय में बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली शबनम खान को आखिरकार 5 साल बाद जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि शबनम खान पिछले 5 सालों से स्टॉल के लिए मांग कर रही थी। दिव्यांग शबनम खान ने महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कड़ू की प्रहार अपंग क्रांति संगठना से भी मांग की थी, जिसके बाद उन्हें काफ़ी मदद भी मिली, जिसके बाद आज उन्हें मनपा द्वारा स्टॉल की अनुमति भी दे दी गई। 28 अप्रैल गुरुवार को प्रहार अपंग क्रांति संगठना महाराष्ट्र के संपर्क प्रमुख रामदास खोत ने स्टॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिवसेना के पप्पू भिसे, प्रहार संगठना के श्रीनिवास निकम, शब्बीर कुरेशी आदि लोग उपस्थित थे। दिव्यांग शबनम खान ने महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कड़ू व मनपा आयुक्त दिलीप ढोले सहित महापौर ज्योत्सना हसनाले मनपा अधिकारियों को किया आभार व्यक्त। महाराष्ट्र राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कड़ू की प्रहार अपंग क्रांति संगठना द्वारा शबनम खान सहित कई दिव्यांगों को स्टॉल दिलाने में अहम भूमिका रही है। सर्वात प्रथम मी रामदास खोत महानगरपालिका आयुक्त आणि महापौरचे पहिल्यांदा अभिनंदन करतो। यामध्ये शबनम खान या जवळजवळ गेली 5 वर्ष या स्टॉलसाठी महानगरपालिकेमध्ये हेलपाटे मारत होत्या, पण महापालिकेने त्यांना चांगला न्याय दिला असं मला आत्ता वाटतं। बरेच त्यांनी पेपर वर्किंग केले, आंदोलनं केली, सगळे आम्ही देखील प्रहार संघटनेने देखील आंदोलन केले, माननीय राज्यमंत्री बच्चू कडू साहेबांनी देखील यासाठी पत्रव्यवहार केला होता, परंतु 5 वर्षानंतर शबनम खानला महापालिकेकडून आणि सर्वच शिवसैनिकाकडून न्याय मिळालेला आहे। त्याबद्दल सर्व शिवसैनिकांचे आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या जनतेचे मी हार्दिक स्वागत करतो आणि सर्वांना अभिनंदन करतो। मैं तो सबसे पहले बच्चू कड़ू जी का, प्रहार संगठना का, कमिश्नर साहब का, महापौर का और नगरपालिका के जितने भी अधिकारी हैं, जैसे कि खामित सर हैं और बाकी यहाँ पे जितने भी शिवसेना के लोग हैं, नगर सेवक हैं, उनसे खास करके पप्पू भिसे जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इनके साथ की वजह से आज मुझे न्याय मिला। और कमिश्नर साहब और महापौर के लिए तो मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे न्याय दिलाने में बहुत मदद की है। कहीं ना कहीं काफ़ी समय लगा है, 5 साल काफ़ी वक्त होता है, क्या कहेंगे? नहीं, अब ये मिल गया है तो वो 5 साल का जो बैड एक्सपीरियंस था वो अच्छे एक्सपीरियंस में बदल चुका है अभी, तो कोई शिकायत नहीं किसी से अभी। सबसे ज़्यादा धन्यवाद रामदास सर और श्रीनिवास निकम जी का भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में भी मेरे लिए नगर पालिका में दौड़ भाग की और मेरे साथ वहाँ पे लड़ने में मेरे मदद की है ना, उसके लिए मैं रामदास खोज जी और श्रीनिवास निकम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताने में। दिव्यांग शबनम खान ने मनपा आयुक्त दिलीप ढोले, महापौर ज्योत्सना हसनाले सहित जिसने इन्हें मदद किया उनका सभी का आभार व्यक्त किया है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, मैं अजीम तांबोली, भाईंदर।